गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस आज की जो वीडियो है उसमें ब्यूटी खान की मैं बात करने वाला हूँ, जिसकी एक पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। गाइस बहुत तेज़ी से उस पोस्ट वायरल हो रही है, पोस्ट देख सकते हो आप लोग। ये पोस्ट जिसमें कि कुछ अश्लील चीज़ें कर रखे हैं और ब्यूटी खान की बता रहे हैं जो लोग, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी ब्यूटी खान का हो रहा है, इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही थी वीडियो जो कि बताई जा रही थी निशा की, जो कि बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, 2 साल पहले की वीडियोज़ थी। और उसकी भी वीडियोज़ है या नहीं है, नहीं थी जहाँ तक है, उसकी भी वो वीडियोज़ नहीं थी वो, ठीक है। तो अभी जो वीडियो वायरल हो रही है वो इसकी ब्यूटी खान की वीडियो वायरल हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ यार, ये क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जो ब्यूटी खान की वीडियो थी वो इसलिए जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लोग अपने पेज पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उसको पेज पे डालने से व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को कुछ मसाला मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब वायरल चेहरा को ऐसे मछली चीज़ों में देखते हैं तो हर बंदा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है और लोगों के लिए चीज़ मसाला बन जाती है। तो इस चीज़ में हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे किसी का पोस्ट देखते हैं उस पर दबा के लाइक मार रहे हैं, हम दबा के लोग शेयर कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई भेज रहा है, मैं 36 बंदों भेज रहा हूँ, वो 3600 में भेज रहे हैं, तो जिस तरह फोटो भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। और जो ये थी आपका क्या नाम है इसका, निशा की भी वीडियो है, वो बहुत फेक थी, लोगों ने देखा, लोगों को मसाला मिला, लोगों ने बहुत आगे इसको पोस्ट कर दी, जबकि वो 100% फेक वीडियो थी जो भी थी वो, ठीक है। अब जो ब्यूटी खान की हो रही है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो तिल वाली फ़ोटो है इसकी, ये कहीं से कहीं तक भी ब्यूटी खान की नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैं आपसे यही गुजारिश होगी, मेरी वीडियो बनाने का मोटिव ये होता है हर बार कि अगर लड़कियों के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं तो इस चीज़ों को आप थोड़ा समझें कि ये चीज़ बिल्कुल फेक है, ठीक है। ये जो आप लोग शेयर पे शेयर कर रहे हो बिल्कुल फेक है। अगर आपके पास कोई भेजता है तो आप उसको 10 गालियां दो, क्योंकि भाई क्यों कर रहा है तू, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, हाँ क्या कर रहा है तू। अगर तुझे इतना ज़्यादा शौक है लड़कियों को देखने का, जाके तो पोर्न देखना भाई, तो ये गंदी चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, तेरे को पता है फेक है। और जहाँ से स्टार्ट हुई है गाइस, मैं गुजारिश करना चाहूँगा हाथ जोड़ के भाई कि ये सब चीज़ें बकवास अपनी बंद कर दो, किसी लड़की के बारे में तुम करके ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है। आज तुम्हारे पोस्ट आगे पहुँच जाएंगे, 10-15 लाइक आ जाएंगे आपके, 4000 लाइक आ जाएंगे, 5000 लाइक आ जाएंगे, कब तक चलाओगे ऐसे, कभी ना कभी तो कुछ करना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो जैसे कि ये नेहा का था, नेहा का बिल्कुल फेक वीडियो थी, ठीक है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मैं चाहूँगा कि यार कोई ना करे ये चीज़, ठीक है। और जो ब्यूटी खान है, पड़े वो कैसी भी हो यार, वो मेहनत कर रही है, लेकिन लड़की तो लड़की है यार, किसी लड़की के बारे में हम कोई नहीं होते कुछ करने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ जो उसकी वीडियोज़ आ रही हैं, ये फ़ोटोज़ आ रही हैं, ये बिल्कुल फेक हैं। मैं आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको ट्रोल करना बंद करें और आप लोग उनके बारे में वीडियो बनाना बंद करें, ठीक है। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, 100% फेक वीडियो है, फेक फ़ोटो है, कुछ नहीं है। लोगों को मसाला मिल रहा है, लोग मसाला देख रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, लोगों को तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लोग बाहर बैठ कर 10 बातें कर रहे हैं, यार इसके बारे में देखा मैंने, निशा के बारे में, निशा की वीडियो वायरल हो गई, इतनी फेमस हो गए हैं, बात पता नहीं क्या क्या करते हैं, इंडस्ट्री ख़राब है, ये वो दिस दैट। तो क्या ये चीज़ें बंद कर दो, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ फेक कर रहे हैं, सब कुछ फेक कर रहे हैं आप लोग। आप प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, वीडियो किसी की वायरल ऐसे ना करें, और छोटी चीज़ तो आप बिल्कुल ना करें। आपको पता है ना साइबर क्राइम कितने आगे तक पहुंच चुका है, जिसने भी जहाँ से भी शुरुआत हुई ना वो बंदा जल्दी पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ आप लोग ये फ़ोटो वीडियो को आगे वायरल मत करें। आपके पास जो भी भेजता है आप उसको गालियाँ दें भाई, कि भाई तू ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो बस मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी, बाकी मेरा मोटिव पिछली बार भी जो नेहा मैम की वीडियो बनाने का था उसका भी ये था कि प्लीज़ आप लोग लड़कियों के बारे में चीज़ ना करें। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, अगर आपके पास पहुँचे तो आप प्लीज़ आगे जाके किसी को शेयर कर दें जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी थैंक यू गाइस, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आगे प्लीज़ शेयर कर देना।